अब हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेते सो दैट कि आप लोगों को फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करना आपको पता चल जाए. ओके तो अभी देखिए पहला है अपने पास व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51 दैट मींस वी हैव नेचुरल नंबर टिल 50. ओके देन द फॉर्मूला वाज व्हाट एवरेज एवरेज वाज एन इनटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू. ओके और हमारे पास में एक पॉइंट और था क्या एवरेज के लिए. यस द फॉर्मूला वाज एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू. सो दिस विल बी 52 डिवाइडेड बाई टू दिस विल बी 26. ओके सो आंसर विल बी 26. सिंपल. तो अभी इसके लिए अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं सबका सम करूं सबको ऐड करूं एंड देन डिवाइड करेंगे हम उसको 51 के साथ. नहीं कुछ नहीं करना सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे अपने पास में क्या करना है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई टू ये भी अप्लाई हो जाएगा. अगर कहीं पे आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो उस केस के अंदर देखो अब यहाँ पे मान लो कुछ भी भूल भी जाते हो तो हमें पता है कि क्या है आपके पास में एक कॉमन सा फॉर्मूला है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स विल बी सेम विल बी व्हाट फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई टू. हेयर द फर्स्ट नंबर इज 1 लास्ट नंबर इज 51 एंड देन डिवाइडेड बाई टू. बोथ यू कैन अप्लाई. ओके यस नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14. अब यहां पे देखिए आपके पास में बहुत ही थोड़े से नंबर गिवन है ना तो उस केस के अंदर आपको अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो. फर्स्ट वन इज एवरेज फाइंड आउट करनी है आपको इवन नंबर्स की. इवन नंबर्स की एवरेज क्या होती थी एन प्लस वन. सो एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एन इज इक्वल टू 7. सो एवरेज विल बी इक्वल टू व्हाट एन प्लस वन दैट मीन्स 8. सो 8 विल बी योर आंसर. सिंपल. द सेकेंड पॉइंट इज फर्स्ट यू कैन अप्लाई दिस. सेकेंड थिंग इज व्हेन यू हैव द नंबर्स विच यू कैन इजिली काउंट. ओके इन दैट केस व्हाट शुड यू डू कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट. द मिड टर्म विल बी योर एवरेज. जो मिड टर्म है वो क्या हो जाएगी आपकी एवरेज हो जाएगी. बट दिस यू कैन अप्लाई व्हेन द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज इक्वल. हेयर द डिफरेंस इज 2, 2, 2, 2, 2 तो आप कर सकते हो. ठीक है और दूसरा एक और भी मैंने था हमने फॉर्मूला था हमारे पास में एवरेज का कि अगर मेरे पास में एन की वैल्यू मैंने काउंट नहीं करनी 1, 2, 3, 4 तो क्या करेंगे लास्ट नंबर. हेयर द लास्ट नंबर इज 14 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 दिस विल बी 16/2 इज इक्वल टू 8. सो अभी थ्री मेथड से मैंने आपको बता दिया कि अगर इस तरह से कुछ नंबर आ जाता है तो आप एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे. ओके अब यहाँ पे आपके नंबर स्टार्टिंग से गिवन है. इट मे बी द चांसेस कि अपने पास में कुछ इस तरह से क्वेश्चन के अंदर आ जाए. मींस कि द नंबर्स आर आप ये कह सकते हो कि जो नंबर्स हैं वो आपके पास में इजी नंबर्स नहीं आ रहे थोड़े से टिपिकल से नंबर्स आ रहे हैं ना तो उस केस के अंदर भी कोई वो नहीं है बिल्कुल सिंपल है सेम थिंग इज हेयर. ओके अगर आपको लास्ट टर्म पता है मान लीजिए मेरे पास में दिस इज अप टू 4000 अब क्या करोगे. अब वो जो फॉर्मूला था हमारे पास में कौन सा एन प्लस वन वो कहां पे अप्लाई करेंगे व्हेन द नंबर्स आर फर्स्ट इवन नंबर्स. बट नाउ व्हाट विल यू अप्लाई दिस इज एपी एक तरह से आप ये कह सकते हो दिस इज एपी. सो क्या करोगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज योर एवरेज. सिंपल. ओके नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, 11 दीज आर ऑड नंबर्स. अब ऑड नंबर्स के लिए क्या था आपके पास में एन. इफ यू नो द वैल्यू ऑफ एन देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द एवरेज. द एवरेज इज इक्वल टू व्हाट एन.
and n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So your answer will be 9. Or what you can do, n plus, if you don't know the value for n, then what can you do? Last number plus 1, last number is 17 plus 1 divided by 2, that means 18 divided by 2 is equal to 9. Or what can you do? Yes, these are very less numbers. You can just cancel out last say. And mid you have 9. So 9 will be the answer. Average. Okay.